हेलो एव वेलकम टू एनी टाइम एनी एकेडमी और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर्स के बारे में तो गियर्स के हम लोग नॉमन और ये क्यों यूज़ होता है कैसे बना हिस्ट्री वगैरह तो आप लोग देख चुके हैं गियर्स की अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गियर्स तो ये एक बहुत ही क्विक वीडियो होगा क्य रिविजन वीडियो होगा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइप ऑफ गियर्स तो बहुत सारे टाइप ऑफ गियर्स होते हैं ठीक है स्पर गियर हेलिकल गियर रैक एंड पिनियन बिबल गियर मीटर गयर्स ठीक है वाम एंड वाम गेयर्स ठीक है स्क्रू गेयर इंटरनल गयर बहुत सारे तरीके के होते हैं मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा मेरे को इंटरनेट पे मिली थी वो दिल खुश कर दिया था मेरे को मुझे लगा आपको ये शेयर करनी चाहिए तो दिस इज़ डैड पिक्चर तो ये पिक्चर इस एकदम मतलब दिल खुश हो जाता है इसे देख के बार बार देखने का मन करता है इसको इसमें क्या है हर तरीके का गियर आपको दिख रहा है हर एक तरीके का और ये एक मेकेनिज्म है जिसमें एक बच्चा जो है वो झूला झूल रहा है ठीक है तो इसमें हर तरीके का आपको मैं दिखा सकता हूँ गियर ठीक है हेलिकल गियर हो गया स्पर गियर हो गया स्पायरल पेवल गियर हो गया इनवॉल्यूट गियर हो गया रैक एंड पिनियन हो गया ठीक है स्क्रू गियर हो गया वाम व्हील हो गया वाम हो गया इंटरनल गियर हो गया हर तरीके का है इसमें ठीक है तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पिक्चर थी मैंने सोचा आपको दिखाऊँ ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टाइप्स ऑफ गियर्स तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर ठीक है टाइप्स अलग हो गया क्लासिफिकेशन अलग हो गया तो क्लासिफिकेशन हम तीन बेसिस पर करते हैं अकॉर्डिंग टू सबसे पहला हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं पोजिशन ऑफ एक्सिस ठीक है एक्सिस की पोजिशन क्या है जो शाफ्ट है शाफ्ट की जो एक्सिस है ओके okay, शाफ्ट तो है शाफ्ट की जो एक्सिस जो होगी वो उसकी पोजीशन क्या है तो सबसे पहला उन दोनों की पोजीशन पैरेलल है उन दोनों की पोजीशन इस तरीके से कि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इन दोनों की इस तरीके से एक्सिस है शाफ्ट की कि वो ना तो इंटरसेक्ट कर रही ना ही पैरल है ठीक है तो पैरल किस केस में हो सकती है जब जो शाफ्ट है वो को प्लेनर हो और पैरल हो पैरल तो पैरल हो ही गया इसमें बेसिकली क्या चीज एक इंपॉर्टेंट और है को प्लेनर ओके को प्लेनर को प्लेनर मतलब एक प्लेन में एक्सिस रखी गई हैं पैडल में जो आके आपका, आपका जो सबसे पहला आता है वो स्पर गियर होता है फिर हैलिकल फिर बाद में एयरिंग बोन गियर और डबल हैलीकल गियर तो ये बेसिकली दोनों एक ही है दोनों अलग अलग लग दिया है तो मैं आपको देखो इस वाली पिक्चर में आपको दिखाऊँ देखो गे? ये आपके पास क्या है स्पर गियर ओके ये आपके पास क्या गया हैलीकल गियर तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट मतलब कि एक्सीज इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसमें भी कोप होना ज़रूरी है ओके जैसे कि बेबल गेयर और हेलिकल बेबल गेयर मतलब बेबल गेयर्स जो होती हैं वो बेसिकली इंटरसेक्टिंग वाले गेयर्स होते हैं इनकी एक्सेस जो होती हैं इंटरसेक्ट करती हैं जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊँ आपको तो ये देखो एक स्पायरल बेबल गेयर है तो इसकी एक एक्सेज है ये वाली ठीक है शाफ्ट की ये एक एक्सेज है और एक एक्सेज ये है एक 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 तो एक दूसरे से ये इंटरसेक्ट कर रही है।, है ना तो ये एक इंटरसेक्टिंग वाला क्लासिफिकेशन हो गया या फिर आपको देखो ये मीटर गेयर इसकी ये एक एक्सिस है इसकी एक एक्सिस ये है तो ये भी दोनों क्या कर रही हैं इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा कि ये क्या करती हैं इंटरसेक्टिंग वाली होती हैं व्यूबल गियर्स नेक्स्ट नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरल तो इसमें जो होता है इसमें जो होते हैं वो स्पेस में रखे होते हैं को प्लिनर नहीं होते ओके स्पेस में रखी हुई होती हैं गेयर्स इसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका स्पैरल गेयर ओके और नेक्स्ट इज वम गियर अगर मैं आपको को दिखाऊँ तो वार्म गियर देखो इस तरीके से तो ये एक व्हील है तो इसकी एक्सेज ये है इस तरीके से और एक की एक्सेज ये है तो ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे ना ही पैरल है तो आपको नज़र आ रहा है ना आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला मसला uh, एक्सेज वाला नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पेरीवे वेलोसिटी ऑफ द गियर तो गियर की वेलोसिटी के अकॉर्डिंग क्या होता है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं गियर्स को तो सबसे पहले होते हैं लो वेलोसिटी गियर्स फिर आते हैं मीडियम फिर आते हैं हाई तो लो वैल्यूसिटी गियर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो थ्री मीटर पर सेकेंड होती है मीडियम वालों की जो होती है वो थ्री मीटर से लेके फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड होती है और हाई वैल्यूसिटी वालों की जो स्पीड होती है गियर्स की वो मोर देन फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड होती है ओके नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ गियरिंग तो गियरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं सबसे पहला होता है एक्सटर्नल फिर इंटरनल गियरिंग और फिर लास्ट हो गया एंड पिनियन तो एक्सटर्नल गियरिंग क्या हो गया कि जो टीथ हैं वो बाहर की तरफ बने हुए हैं। जो, है, है। तो है? जो, जो होता है बाहर की तरफ इसको हम लोग बोलते हैं गियर ओके और जो स्मॉलर वन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिनियन क्लियर है तो ये चीज याद रखनी है और एक चीज़ याद रखनी है कि जो इनका डायरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है अनलाइक होता है रोटेशन का ओके जब हमें काउंटर क्लॉक चाहिए होता है किसी के काउंटर में चाहिए होता है एंटी डायरेक्शन चाहिए होता है तो हम लोग एक्सटर्नल गियर्स का यूज करते हैं और इंटरनल गेरिंग होती है कुछ इस तरीके की अंदर मतलब इंटरनली प्रोजेक्शंस होते हैं तीत बने हुए होते हैं जो बाहर की तरफ होता है जो लार्जर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एन्यूलर व्हील ओके लार्जर वन को और जो स्मॉलर जो होता है यहां पर जो स्मॉलर है वो अंदर वाला है अभी इस वक्त तो स्मॉलर को हम लोग क्या बोलते हैं पिनियन सिंपल सा ओके okay, पिनियन और ये हो गया आपके पास क्या गियर अब बात आती है रैक एंड पिनियन तो रैक एंड पिनियन कुछ इस तरीके का होता है एक रैक होती है जिसमें लीनियर होता है ठीक है ये लीनियर होते हैं और एक गियर होता है जो कि उसके ऊपर रिवॉल्व करता है जिसको हम पिनियन बोलते हैं ओके रैक एंड पिनियन सिंपल सा ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन कंप्लीट अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गियर तो सबसे पहला हमने दिखाता था स्पर गियर तो स्पर गियर में क्या होता है स्पर गियर में जो शाफ्ट जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं मैंने आपको बताया था ठीक है और इंटरसेक्टिंग नहीं होती कोपलेनर होती हैं और जो इनके तीत होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रेट और पैरेलल होते हैं एक दूसरे के मतलब जो दो गियर्स होते हैं एक दूसरे मीट करते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रेट होते हैं कोई भी एंगल नहीं होता स्ट्रेट uh, किसके रेस्पेक्ट में होते हैं शाफ्ट के रेस्पेक्ट में ये स्ट्रेट होते हैं ठीक है शाफ्ट के रेस्पेक्ट में कोई एंगल नहीं होता इनके बीच में ठीक है आगे हम देखेंगे तो उनके बीच में एंगल होगा ठीक है हेलिकल गियर और स्पर गियर में भी तो डिफरेंस हमें चाहिए होगा तो वो डिफरेंस वो यही होता है कि इनके तीत में जो होता है कोई भी एंगल नहीं होता स्ट्रेट है, होते हैं पैरल होते हैं एक दूसरे के तो ये एक दूसरे से पैरल होते हैं दिख रहे ना यहाँ पे पैरल होते हैं एक दूसरे के ओके और जो पावर जो ट्रांसमिट होती है वो पैरल शाफ्ट के बीच में होती है अब इनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं ठीक है ईजी टू मैन्युफैक्चर होते हैं इनमें कोई एक्जियल फोर्स नहीं होता ठीक है और ये सबसे ज्यादा कॉमन है ठीक है यूज करने के लिए ठीक है सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं ये वाले गियर्स इस पर गियर इनकी एप्लीकेशन क्या है ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स में इसको यूज करते हैं जो स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं या फिर बड़े कंपोनेंट्स होते हैं ट्रांसमिशन ट्रांसमिट करने के लिए बस सिंपल सा ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स के लिए इसका एप्लीकेशन यूज होता है इस पर गेर का ने तो हैलीकिल गेयर अब नेक्स्ट है हमारे पास क्या हैलीकिल गेयर हैियर के जो तीत होते हैं वो क्या होते हैं इंक्लाइंड होते हैं ठीक है ये हमारे पास क्या है एक्सिस और ये हमारे पास क्या है तीत हेलिकल गियर का जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पर ये एंगल कुछ बनता है ठीक है टू थ्री डी में तो ये होता है आपके पास क्या हेलिकल गियर जो इनके बीच में भी जो पावर ट्रांसमिशन होता है वो पेलर शाफ्ट के बीच में ही होता है जो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबसे पहला क्या होता है ये कम नॉइज प्रोड्यूस करते हैं वाइब्रेशन ठीक है एज कम्पेयर टू स्पेयर गेयर स्पेरगेर काफी ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस करते हैं हेलिकल गियर बहुत कम नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें ग्रिप अच्छी बहुत ही अच्छी बन जाती है ठीक है तो इसमें नॉइज़ के चांसेस बहुत कम होते हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है ठीक है जो कांटेक्ट होता है दो हेलिकल गेयर के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है इस पर गेयर रिलेटिवली एप्लीकेशन क्या होता है इनका ऑटोमोबाइल्स हो गया ठीक है स्पीड रिड्यूसर हो गया या ट्रांसमिशन कंपोनेंट सिंपल सा उसमें यूज़ होते हैं आगे बात करते हैं और हाँ इसमें एक्जल डायरेक्शन एक्जियल फोर्स प्रोड्यूस होती हैं ओके अब बात करते हैं हेरिंग बोन गियर हैरिंग बोन गेयर में जो होता है वो तीत होते, है, होते, है। होते हैं इंक्लाइंड होते हैं ठीक है अपोजिटली होते हैं ठीक है दो इसमें क्या होते हैं दो अलग अलग तीत होते हैं एक ये हो गया तीत और एक ये हो गया तीत ठीक है दोनों ही क्या होते हैं इंक्लाइंड होते हैं दिख रहे हैं यहाँ पर सिंपल सा अगर आप इस पिक्चर को भी देखो तो एक दूसरे से इंक्लाइंड है दोनों के दोनों तरफ के तीत और दोनों के होते हैं अपोजिटली इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे से और इनके बीच में एक गैप होता है ये आपको एक गैप नज़र आ रहा है ना तो ये गैप होता है समझ रहे हो तो ये गैप जो होता है वो दर्शाता है डबल हेलिकल गेयर्स को तो ये इनका दूसरा भी नाम होता है इसको हम बोलते हैं डबल हेलिकल गेयर क्योंकि ये हेलिकल गेयर की तरह होते हैं और दो होते हैं इसमें हेलिकल गेयर तो इसको हम डबल हेलिकल गेयर बोलते हैं और हेरिंग बोन गेयर भी बोलते हैं ठीक है और इनका भी जो ट्रांसमिशन होता है वो पैलर शाफ्ट के बीच में होता है सिंपल सा यहाँ पर ये दे रखा है उनके कैरेटरिस्टिक हेरिंग बोन गेयर्स जो होते हैं वो रिजेंबल होते हैं हेलिकल गेयर से ठीक है दोनों साइड पर क्या होते हैं इनके हेलिकल गेयर्स बने हुए होते हैं अपोजिटली ओके और इनके बीच में क्या होता है गैप होता है आगे बात कर... तो वॉम गेयर तो नेक्स्ट है आपके पास वॉम गेयर तो जब एक्सिस जो होती हैं शाफ्ट की इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे से तो उस जगह पर हम लोग वॉम गियर्स का यूज करते हैं बहुत ही बेसिक सी बात है और जो इनका जो शेप जो होता है वो कॉनिकल होता है ओके वॉम गियर्स का जो शेप होता है वो कॉनिकल होता है जो इनके जो तीत बनते हैं वो एक कॉनिकल सरफेस के ऊपर बनते हैं ओके तो इनका एक तो क्या हो गया कॉनिकल पिच सरफेस होता है जो इनका पिच का जो सरफेस है ठीक है ये जो सरफेस है वो क्या है कॉनिकल शेप में है ओके okay, पहला तो नेक्स्ट की कि इनके जो तीत बनते हैं वो एक कॉनिकल uh, उसमें बनते हैं सरफेस पर बनते हैं ये कॉनिकल सरफेस में इनके तीत बनते हैं ओके okay? और डिपेंडिंग अपॉन दी जो टूथ हैं टूथ का जो ट्रेस है उसके अकॉर्डिंग इनके दो पार्ट होते हैं ठीक है एक स्ट्रेट और एक स्पायरल तो स्ट्रेट वाले जो होते हैं वो सिंपल स्ट्रेट ओके okay, आगे जाके कॉन्टेक्ट में आके सिंपल से स्ट्रेट अगर मैं मिला दूं तो एक कोन बनाएंगे नेक्स्ट इज स्पायरल गियर ठीक है स्पायरल मतलब कि स्पायरल कर रहे हैं इस तरीके से ओके okay? नहीं बोलते हम लोग स्पायरल बेबल गियर ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्रू गियर्स तो स्क्रू गियर्स जब शाफ्ट की एक्सेस जो है वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होती हैं तो वहाँ पर हम लोग स्क्रू गियर का यूज़ करते हैं तो वर्म गियर और इस्क्रू गेयर जो होते हैं वो सेम जगह पर यूज़ होते हैं बट दोनों का डिफरेंस होता है कि आ, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये रिड्यूस करता है स्पीड को ठीक है वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमें स्पीड का रिडक्शन करना होता है और दूसरा या फिर हमें मल्टीप्लाई करना होता है गियर्स का गियर का मल्टीप्लाई करना होता है ठीक है और गियर्स चाहिए होते हैं और दूसरा ये वहाँ यूज़ नहीं हो सकता जहाँ पर ज़्यादा हाई पावर होती है ओके वॉर्म गेयर को हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हाई पावर होती है बट इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है ड्राइविंग गेयर ऑफ ऑटोमोबाइल ठीक है ऑटोमेटिक मशीन डेट रिक्वायर इंट्रीकेट मूवमेंट ओके ऑटोमेटिक मशीन्स में यूज़ करते हैं इसको आगे बात करते हैं हम लोग वॉम गेयर पेयर ठीक है वॉम गेयर ठीक है तो बेसिकली एक पेयर है दो चीजों का एक वार्म होती है और एक इसमें वार्म व्हील होता है ठीक है वार्म जो होती है वो एक तरीके की शेंक होती है ओके okay, जिसपे तीत बने होते हैं थ्रेड जिन्हें बोला जाता है बेसिकली ठीक है थ्रेड कहलाते हैं ठीक है तूथ उसके जो क्या कहलाते हैं थ्रेड कहलाते हैं और वो एक कम्प्लीट सेट होना चाहिए एक कम से कम ठीक है एटलीस्ट वन कम्प्लीट चाहिए कैसा कि इसके ऊपर जो ये वार्म व्हील है जो ये वार्म व्हील है ये इसके ऊपर पूरी तरीके से रोटेट कर सके मतलब ये रोटेट करेगा तो इसके एक एक तीत इसके ऊपर होते हुए हो जाएंगे एक, एक एक करके एक एक तीत इसके ऊपर होते हुए हो जाएंगे तो ये कंप्लीट रोटेशन इसके ऊपर कर ले कम से कम इतने इसके पास क्या होना चाहिए कंप्लीट सेट होना चाहिए क्लियर है तब जाके ये वार्म गियर पेयर बनता है ओके आप देखो यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसकी कुछ फीचर्स हैं वो ये है कि ये कहाँ पर यूज़ होगा बेसिकली सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर अगर आप इसकी इस एक्सिस बनाओ तो ये वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं होता और पैरेलल भी नहीं होते शाफ्ट ओके okay? उनकी एक्सिस इंटरसेक्ट भी नहीं करती और जो इनका एक्शन होता है वो क्या होता है क्वाइट होता है और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है क्लियर है और ये सिर्फ कुछ ही जगह पर यूज़ होते हैं स्पेशल लोकेशंस पर यूज़ होते हैं ठीक है जैसे स्पेशल लोकेशंस के लिए आपने पार्टी वाली जो ड्रेसेस रखे रहते होते हैं आप अपने पास स्पेशल जगह पे पहनने के लिए तो ये भी वहीं यूज़ होते हैं जहाँ पर स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है ऐसे नहीं कि आप कहीं पर भी यूज़ कर लो ओके okay, जैसे स्पेयर गेयर होते हैं यूज़ हो जाते हैं ज़्यादातर जगह ठीक है मोस्ट कॉमन होता है ये मोस्ट कॉमन नहीं होते ठीक है रेयरली यूज़ होते हैं बहुत ही स्पेशल जगह पे जहाँ पे यूज़ करना होता है इसके एप्लीकेशन जगह जगह पर हैं बहुत सारी जगह पर ठीक है मशीन टूल्स में यूज़ होता है ठीक है सेल्फ लोकिंग फीचर्स में यूज़ होता है किसमें एंटी रिवर्सिंग गेयर ओके मेकिंग द मोस्ट ऑफ इट्स सेल्फ लॉकिंग फीचर ठीक है स्पीड रिड्यूसर में यूज होता है ठीक है चेन ब्लॉक पोर्टेबल जनरेटर बहुत सारी जगह यूज होता है ये भी ठीक है बट एक स्पेशल ओकेशन पर पोजिशन पर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रैक एंड पिनियन गेयर तो रैक एंड पिनियन गेयर के बारे में हम बात कर चुके हैं ठीक है किस में टाइप ऑफ गियरिंग में तो एक तरीके की टाइप ऑफ गियरिंग है रैक एंड पिनियन तो इसमें एक बार होती है जिसपे तीर्थ बने होते हैं ओके okay? एक बार होती है जिस पे तीथ बने होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं रैक बोलते हैं ओके इसके ऊपर क्या होता है एक गियर मूव कर रहा होता है ठीक है जिसको हम पिनियन बोलते हैं ओके तो इन दोनों के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं रैक एंड पिनियन अब ये जो रैक होती है वो कितनी भी लंबी हो सकती है कितनी भी लेंथ होती है अकॉर्डिंग टू डिजायर कि हम लोगों को इसको का, इस वाली पिनियन को कितनी दूर तक लेकर जाना है ठीक है उसके अकॉर्डिंग ये रैक की डायरेक्ट रैक रैक की लेंथ हम डिफाइन करते हैं अब इसके जो मेन जो काम होता है वो क्या होता है दो काम कर सकता है ये है ना रोटरी मोशन जो है उसको चेंज कर सकता है किस में रेक्टीलियर मोशन में ओके रैक्टीलिनियर मोशन में और रेक्टीलियर मोशन को रोटरी में कन्वर्ट कर सकता है समझ रहे हो आप इसको जो रेक्टीलिनियर मोशन है इसको आप रोटरी में कन्वर्ट कर सकते हो और रोटरी को रैक्टिलियर में कन्वर्ट कर सकते हो तो ये दो मेन इसके काम होते हैं ओके इसकी एप्लीकेशन कहाँ होती है आप ही बताया था मैंने आपको एक तो यही होता है कि ये रोटरी मोशन को रेक्टिलियर मोशन में कन्वर्ट कर देता है और, और इसका कहाँ यूज है प्रिंटिंग प्रेस रोबोट्स में यूज होता है इसका ठीक है तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपके ख़त्म होते हैं आपके सारे टाइप्स ऑफ गियर्स क्लासिफिकेशंस भी ओके अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उस यूट्यूब पर सर्च करो एनी टाइम एनी वेयर एकेडमी तो आपको मिल जाएगा हमारे चैनल और वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट पावर ट्रांसमिशन डिवाइस उस पर जाकर क्लिक करना और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगी तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है डिप्लोमा की मैकेनिकल की ठीक है आगे हम कंप्यूटर्स से भी रिलेटेड हम लोग लेक्चर्स uh, लाने वाले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा तो नेक्स्ट तो लेक्चर तक के लिए पढ़ाई करते रहिए घर पर रहिए सेफ रहिए ऑल द वेरी बेस्ट स्प्रेड एजुकेशन